सीनियर डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आप इन दोनों को ले जा सकते हैं, लेकिन नक्श और सुकृति को प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। इन्हें कुछ दिनों तक स्कूल मत भेजिएगा और इन्हें ऑयली खाना भी मत खाने दीजिएगा। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया, वो मुड़ा और उसने कहा, तुम भी चलो। ये शब्द उसने कीर्ति को देखकर कहे थे। कीर्ति के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो शुभम और सुकृति के साथ श्लोक के पीछे चली गई। बाहर पहुंचकर श्लोक ने अपनी कार में बैठते हुए कहा, तुम सब मेरे साथ चल रहे हो और मैं ये तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कीर्ति तुम्हें सबके सवालों के जवाब देने होंगे। ये कहते हुए उसने अक्ष और आकांक्षा को कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया। शुभम की कार भी उनके पीछे ही चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग अग्निहोत्री मेंशन के बाहर थे। कीर्ति अपना सिर उठाकर उस घर को देख रही थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही थी, उसकी माँ कैसी होगी और उसका भाई कैसा होगा, क्या उसने शादी की होगी, क्या उसे कीर्ति की याद आई होगी। कीर्ति को अपने कदमों को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। शुभम ने उसका एक हाथ पकड़ा और अपनी आंखों से उससे हिम्मत रखने का इशारा किया। एक गहरी सांस लेते हुए कीर्ति, सुकृति और शुभम के साथ अंदर चली गई। आकांक्षा, श्लोक और अक्ष पहले ही अंदर जा चुके थे और दरवाजे पर ही उनका वेलकम करने के लिए सार्थक, मैनिका, बड़ी अम्मा वसुंधरा जी और उनके कुछ रिश्तेदार मौजूद थे जिन्हें उन्होंने घर बुलाया था। वसुंधरा जी ने श्लोक को गले लगाते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। श्लोक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। तभी वसुंधरा जी की नजर आकांक्षा की गोद में सो रहे अक्ष पर गई। उन्होंने परेशान होते हुए कहा, इसे क्या हुआ है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी। आकांक्षा ने उन्हें धीमी आवाज में कहा, आंटी, अक्ष को स्कूल में थोड़ी चोट लग गई है, ज्यादा सीरियस नहीं है, बस थोड़ा आराम करके वो ठीक हो जाएगा, क्या मैं इसे कमरे में ले जाऊं। वसुंधरा जी ने हाँ में सिर हिलाया। आकांक्षा बिना किसी से पूछे उसे सीधा श्लोक के कमरे में ले जाने लगी। तभी उसे वसुंधरा जी की आवाज सुनाई दी। वसुंधरा जी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, क्या तुम उसे अपने और श्लोक के कमरे में ले जाओगी, अक्ष बड़ा हो चुका और मैंने उसके लिए एक अलग कमरा भी तैयार करवाया है। सार्थक, अपनी भाभी को अपने भतीजे के कमरे तक ले जाओ। सार्थक भी थोड़ा मुस्कुरा रहा था। आकांक्षा ये सुनकर थोड़ा शर्मा गई और सार्थक के साथ उस जगह से चली गई। आकांक्षा ने उस कमरे में पहुंचकर देखा, कमरा बहुत ज्यादा अच्छा था। दीवारों पर ब्लू और ग्रे कलर किया गया था और वहां एक कार को इस तरह हैंग किया गया था जैसे वो कार दीवार पर चल रही हो। वहां पर एक टॉय सेक्शन भी था। उस जगह पर बड़ी सी कांच की अलमारी में कई सारे टॉयज रखे थे। बेड ऊपर से कई सारे वायर से जुड़ा था और उसे नीचे जमीन से जोड़ने के लिए कुछ नहीं था। वो बेड लगभग झूले की तरह था, लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर था। साइड में सोफे रखे थे और उसी के साइड में एक बुक शेल्फ था जहां पर कई तरह की किताबें रखी थी। कोने में एक टेबल था जिसके साथ वहां पर स्टडी करने के लिए एक चेयर रखी थी। आकांक्षा हैरान होकर उस कमरे को देख रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उसके बेटे का कमरा है। आकांक्षा ने जल्दी से उस हैंगिंग बेड पर अक्ष को लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। आकांक्षा ने अक्ष के सिर को सहलाते हुए उसके सिर पर किस किया। जब आकांक्षा ने पीछे मुड़कर देखा तो सार्थक अभी भी वहां खड़ा था और वो थोड़ा झिझक रहा था, जैसे वो कुछ पूछना चाहता हो। आकांक्षा ने अपनी मीठी आवाज में कहा, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो। सार्थक ने हिम्मत करके कहा, क्या आपने और भाई ने लव मैरिज की थी। ये सवाल सार्थक को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। जब से उसने विपिन से सुना था कि उनकी मैडम वापस आ चुकी है, उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और उसे पता चला था कि श्लोक 6 महीने तक एक लड़की के साथ रहा था। लेकिन कल आकांक्षा और श्लोक को उस वीडियो में देखने के बाद उसके भाई की हंसी सार्थक की आंखों के सामने से गायब ही नहीं हो रही थी। उसका भाई बहुत कम मुस्कुराता था, लेकिन जिस तरह वो उस वीडियो में हंसते हुए आकांक्षा से पिलो फाइट कर रहा था, वो काफी खूबसूरत पल था। सार्थक का ये सवाल सुनकर आकांक्षा थोड़ा चौंक गई। उन दोनों ने कभी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, हालांकि उनके एक्शन और उनके कहे शब्द उनके प्यार को बयां करते थे। लेकिन वो शब्द जो प्यार की डेफिनेशन को डिफाइन करते थे, वो उन दोनों ने कभी एक दूसरे से नहीं कहे थे। और लव मैरिज उनकी मैरिज तो गुस्से और गलत फहमी के कारण हुई थी। ये सोचते हुए आकांक्षा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई।
उसने कुछ शब्दों में जवाब दिया। ये ज्यादा कुछ नहीं था, हमें एक दूसरे से शादी करनी थी और हमने वो कर ली थी। सार्थक को आकांक्षा का जवाब समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसे बाहर से अपनी माँ की तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आकांक्षा ने भी वो आवाज सुनी और वो दोनों जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में पहुंचे। सार्थक ने देखा व्हाइट टॉप और ब्लैक पैंट में एक लड़की अपना सिर झुकाकर वहां खड़ी थी। उसी के साथ एक आदमी ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहनकर खड़ा था। उस आदमी की गोद में एक बच्ची थी जिसने अक्षय की तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके सिर पर भी चोट लगी थी। उस लड़की को देखकर सार्थक बुरी तरह हैरान हो चुका था। सार्थक ने धीरे से कहा, कीर्ति। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी बहन उसके सामने खड़ी थी। मैनिका कीर्ति को घूर कर देख रही थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उन्होंने दोबारा चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? पिछले 6 सालों से मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। क्या तुम्हें अपनी माँ की जरा सी भी चिंता नहीं थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? मुझे बताओ, इन 6 सालों से तुम कहां थी? कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी माँ को क्या जवाब दे। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, आकांक्षा दौड़ते हुए आगे आई और उसने मैनिका जी के सामने खड़े होते हुए कहा, 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। ये कहकर आकांक्षा ने शुभम को देखकर कहा, सुकृति को मुझे दे दो, उसे चोट लगी है और उसके लिए इतनी तेज आवाज सुनना अभी सही नहीं है। मैं इसे आराम करने के लिए अक्ष के कमरे में सुला देती हूँ। ये कहकर आकांक्षा सुकृति को लेकर बिना किसी की तरफ देखे वहां से चली गई। वहां मौजूद सारे लोग जो कीर्ति को देखकर हैरान थे, अब उनकी नजर भी उस आदमी और सुकृति पर थी। आकांक्षा सुकृति को अक्ष के साथ सुलाकर उस कमरे को अच्छे से बंद करके बाहर आई। मैनिका ने कीर्ति की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, कीर्ति मुझे सच जानना है, वो बच्ची और ये आदमी कौन है? शुभम ने आगे बढ़कर कीर्ति का हाथ पकड़ा और कहा, मेरा नाम शुभम है, मैं कीर्ति का बॉयफ्रेंड हूँ और जिस बच्ची को अभी आपने देखा था वो मेरी और कीर्ति की बेटी सुकृति है। मैनिका को लगभग चक्कर आने लगे थे। सार्थक ने उन्हें संभाल कर खड़ा किया और अपनी लाल आंखों से शुभम को देखते हुए कहा, तुमने क्या कहकर मेरी बहन को अपने जाल में फंसाया है? और 1 मिनट, तुम तो वही डॉक्टर हो ना जिसकी कुछ समय बाद शादी होने वाली है? जब तुम किसी और से शादी करने वाले हो तो तुम मेरी बहन के साथ रिलेशन में कैसे रह सकते हो? और कीर्ति, तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? कीर्ति ने कहा, भाई जो आप सोच रहे हैं वो सब गलत है। मैं और शुभम एक दूसरे से कॉलेज टाइम से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमी के कारण हम अलग हो गए थे। जब हम अलग हुए तब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ से चली गई थी। भाई मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ इसमें मेरी गलती है। सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा, तुझे अपने भाई पर इतना विश्वास नहीं था कि वो तेरा साथ देगा? कीर्ति, मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता था, तो तेरी छोटी सी गलती को माफ करना कौन सी बड़ी बात थी? क्या तूने कभी हमें अपना परिवार माना भी था? वसुंधरा जी ने मैनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैनिका शांत हो जाओ, पहले हमें बात करनी चाहिए, अगर तुम इस तरह चिल्लाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैनिका ने रोते हुए कहा, आप बताइए दीदी मैं क्या करूं? आप देख रही है ना, ये लड़की इतने सालों बाद आकर मुझसे मिलने के बाद मुझसे कह रही है कि इसका एक बॉयफ्रेंड और एक बेटी है। क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने शादी के पहले एक बच्चे को जन्म दिया है और ये एक कुंवारी माँ है? क्या होगा जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा? क्या वो इसके बारे में बातें नहीं बनाएंगे? वसुंधरा जी ने मैनिका को सोफे पर बिठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम शांति से बात करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने मैनिका को पानी का गिलास दे दिया। मैनिका की नजर श्लोक पर गई जो बिना किसी भाव के अपने हाथों को फोल्ड करके सोफे पर बैठा था। मैनिका ने कहा, श्लोक, क्या तुम इन लोगों को यहाँ लाए हो? श्लोक ने आलस भरी आवाज में कहा, कीर्ति की बेटी उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ अक्ष का एडमिशन हुआ है, और अक्ष की स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई थी जिस कारण अक्ष और सुकृति जख्मी हो गए थे। जब मैं स्कूल पहुंचा था तो मैंने कृति को वहां देखा, इसीलिए मैं उसे यहाँ अपने साथ ले आया था। कीर्ति के बारे में मुझे आज ही पता चला है, लेकिन शायद कोई है जो इस बारे में पहले से जानता था। ये कहते हुए श्लोक की नजर आकांक्षा पर गई जो चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। श्लोक ने आगे कहा, आकांक्षा तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ कहना चाहिए? आकांक्षा जानती थी कि वो इस बार बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, हाँ मैं पहले से शुभम और कीर्ति के बारे में जानती थी और कीर्ति ने मुझे ये भी बताया था कि वो मनाली में है, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि कीर्ति प्रेग्नेंट है। कीर्ति पिछले महीने ही मुझे मनाली में मिली थी जहाँ इसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। मैंने कीर्ति को उन गुंडों से बचाया था
और उसके बाद में कीर्ति को अपने घर ले गई थी। तब कुछ प्रॉब्लम्स के कारण शिव और हम सबको वापस मुंबई आना पड़ा और इसीलिए मैं कीर्ति को अपने साथ मुंबई ले आई। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद कीर्ति हमारे घर से कहीं चली गई थी और उसके बाद वो मुझे नहीं मिली थी। कीर्ति ने भी आकांक्षा को डिफेंड करते हुए कहा, भाई इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, पहले भी मैंने ही भाभी को किसी को कुछ बताने के लिए मना किया था और बाद में हम दोनों ही ऐसी सिचुएशन में थे कि हम आप लोगों को कुछ नहीं बता सकते थे। वसुंधरा जी ने अपने माथे पर हाथ फेरा। उनके सामने एक के बाद एक परेशानी आ रही थी। पहले उनके बेटे की सीक्रेट मैरिज और उसका एक बेटा है और अब उनकी सबसे प्यारी बेटी कीर्ति का एक बॉयफ्रेंड और उसकी बेटी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर के बच्चे सीक्रेट अफेयर रखना इतना पसंद क्यों कर रहे थे। वसुंधरा जी ने आह भरते हुए सार्थक को देखकर कहा, सार्थक अगर तुम्हारा भी कोई बच्चा बीवी या गर्लफ्रेंड हो तो उसे ले आओ। वो क्या है ना कि हमें सारे शौक एक साथ मिल जाए तो हम लोगों को हार्ट अटैक नहीं आएगा। सार्थक ने चेपते हुए कहा, बड़ी माँ ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी अम्मा ने भी मुंह बनाते हुए कहा, अगर कोई बच्चा है तो वो भी अपना सच बता दे, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम लोगों के कान खींचने की ताकत मुझ में नहीं रही है। उन्होंने ये कहा ही था कि दरवाजे से चार लोग अंदर आए। विक्की और वेदिका आगे चल रहे थे और उनके पीछे महेश जी और वीना जी थे। वहां का इतना गर्म माहौल देखकर विक्की की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी माँ के सामने खड़े होते हुए कहा, माँ मैं आपको वेदिका से मिलाने लाया था, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम पिछले 7 सालों में साथ में हैं। विक्की ने भी ये सब इतनी जल्दबाजी में कह दिया था कि वो वहां खड़े लोगों पर ध्यान देना भूल चुका था। वेदिका इस समय बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसने आसपास के लोगों को देखा था और वो समझ गई थी कि वहां कुछ परेशानी है। वेदिका ने विक्की की शर्ट की आस्तीन को खींचते हुए कहा, क्या तुम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते, शायद यहाँ कोई प्रॉब्लम है। वसुंधरा जी का पेशेंट खत्म हो चुका था। उन्होंने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, अरे यार क्या तुम लोग मुझे आज मार डालना चाहते हो, विक्की तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हो, देखो तुम्हारा भाई अपनी बीवी और बच्चे को लेकर आया है और तुम्हारे चाचा की लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड और बच्ची को लेकर आई है, बस मेरा बेचारा सार्थक ही है जो अभी तक किसी को नहीं लाया है। क्या होगा जब अक्ष और सुकृति नींद से जागेंगे, क्या कीर्ति सबको मना पाएगी। अग्निहोत्री मेंशन। सार्थक ने मुंह बनाते हुए कहा, ये लोग बार बार मुझे क्यों बीच में खींच रहे हैं, क्या गर्लफ्रेंड ना होना कोई पाप होता है। वसुंधरा जी को अब चक्कर आने लगे थे, वो जल्दी से सोफे पर बैठी। आकांक्षा ने उन्हें पानी का ग्लास देते हुए कहा, आंटी आप शांत हो जाइए। वसुंधरा जी ने परेशान होकर उसे देखा और कहा, क्या तुम जानती हो जब कोई ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो वो शांत नहीं हो सकता। श्लोक ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यहाँ फिर से बहस हुई तो मैं आप सब लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगा। कीर्ति तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बच्ची आराम से हॉस्टल में रहेगी और यहाँ बैठे सारे बड़े ओल्ड एज होम में रहेंगे। ये सुनकर सब चुप हो गए। बड़ी अम्मा ने मेनका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ा सा लिविंग रूम लोगों से भरा था। एक सोफे पर श्लोक और आकांक्षा बैठे थे, दूसरे पर शुभम और कीर्ति, तीसरे पर वेदिका और विक्की, और सामने रखे लार्ज सोफे पर वसुंधरा जी, बड़ी अम्मा, मेनिका, वीना जी और महेश जी बैठे थे। महेश जी और वीना जी की नजरें आकांक्षा पर ही थी। उसे देखकर उन्हें एक अजीब सा एहसास हो रहा था। बड़ी अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो तुम तीनों बच्चों ने अपना जीवन साथी चुन लिया है और तुम सभी अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन जब तक इस रिश्ते को नाम नहीं मिलेगा ये पूरा नहीं होगा। हम सब ने फैसला किया है कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। ये बात सुनकर वहां बैठे सारे कपल के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन शुभम थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसने अपने घर में अभी तक अपने और कीर्ति के बारे में नहीं बताया था। कीर्ति शुभम की इस बात को समझ गई थी। उसने आगे बढ़कर कहा, बड़ी माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वसुंधरा जी ने कीर्ति की तरफ देखा। कीर्ति ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा,
शुभम ने अभी हमारे बारे में उसके घर पर नहीं बताया है। वसुंधरा जी ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, कौन सी बड़ी बात है, तुम दोनों ने तो एक दूसरे को ही नहीं बताया कि तुम्हारी एक बेटी है, तो तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। ये सुनकर कीर्ति चुप हो गई। श्लोक ने अपनी सख्त आवाज में कहा, मैं शुभम के घर बात करने जाऊंगा। ये सुनकर शुभम ने सिर उठाकर श्लोक की तरफ देखा। श्लोक ने शुभम की आंखों में देखते हुए वार्निंग लुक के साथ कहा, ये मत समझना कि तुम्हें मैंने अपनी बहन को धोखा देने के लिए और उसकी लाइफ के साथ खेलने के लिए माफ कर दिया है। मैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है। श्लोक ने पीछे मुड़कर कहा, अंकल आंटी, मुझे आपको भी कुछ बताना है। आकांक्षा ने श्लोक का हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो जानती थी श्लोक क्या कहने वाला था। श्लोक ने अपने दूसरे हाथ से आकांक्षा के हाथ को सहलाया और आगे देखते हुए कहा, आप हमेशा से अपनी उस बेटी को ढूंढना चाहते थे जो आपसे कई सालों पहले बिछड़ गई थी। ये सुनकर वीना जी की आंखें अचानक से चमक उठी। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला है? श्लोक हमेशा उन्हें ये दिलासा दिया करता था कि वो उनकी बेटी को ढूंढ देगा और वो लोग सच में श्लोक पर बहुत विश्वास करते थे। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने उसे ढूंढ लिया है और मैं उसे आज आपसे मिलवाने वाला हूँ। ये कहते हुए श्लोक ने आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये है आकांक्षा श्लोक अग्निहोत्री, जो पहले आकांक्षा राठी थी। महेश जी और वीना जी ने ध्यान से आकांक्षा को देखा। उन्हें वो लड़की याद थी, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वही उनकी बेटी होगी। महेश जी ने कहा, श्लोक तुम ये क्या कह रहे हो? श्लोक ने दोबारा कहा, ये आपकी बेटी है आकांक्षा। आकांक्षा को अब साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि अब उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। वीना जी उठी और उन्होंने अपने घुटनों के बल बैठकर आकांक्षा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या तुम मेरी अक्षु हो? अपनी माँ के स्पर्श को इतने सालों बाद महसूस करके आकांक्षा की आंखों से आंसू बह गए। उसने उनके हाथों पर अपना हाथ रखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैं आपकी अक्षु हूँ। वीना जी ने जोर से आकांक्षा को गले लगाया और रोते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई थी? पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा। जब हम शहर में वापस लौटे तो तुम यहाँ नहीं थी। हमें तुम्हारी कितनी याद आती थी। आकांक्षा ने भी रोते हुए कहा, मम्मा, मैं भी आपको बहुत याद करती थी। आप दोनों के बिना लाइफ बहुत अधूरी लगती थी और संजय जी ने जो आपके साथ किया उसके बाद मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आप लोगों से कभी मिल भी पाऊंगी। महेश जी ने आकांक्षा के पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सारा प्यार माँ के लिए, पापा के लिए कुछ नहीं। आकांक्षा ने मुड़कर महेश जी को गले लगाया और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप और मैं तो एक टीम में है ना। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। वहां मौजूद सारे लोग उस इमोशनल मोमेंट को देख रहे थे और उन सबका दिल खुशी और दर्द के साथ धड़क रहा था। वीना जी ने मुड़कर श्लोक को देखकर कहा, तुमने हमें इतने समय से बताया क्यों नहीं बेटा कि तुम हमारी बेटी के पति हो? श्लोक ने गहरी सांस ली। आखिर वो उन्हें कैसे बताता कि वो उनकी बेटी का सीक्रेट हस्बैंड था और उन दोनों की शादी 6 महीने में ही एक गलत फहमी के साथ खत्म हो गई थी और वो उनकी बेटी को खाई से गिरने से भी नहीं बचा पाया था। आकांक्षा ने बात संभालते हुए कहा, पुरानी बातें छोड़िए, अब हमें वो नहीं सोचना चाहिए। वीना जी ने भी उस टॉपिक को छोड़ दिया और कहा, अक्षु, तुम जानती हो तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? ये सुनकर आकांक्षा थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। वीना जी ने वेदिका को आगे करते हुए कहा, कि तुम्हारी छोटी बहन है? वेदिका ने आंसू भरी आंखों से आकांक्षा को देखा और कहा, दीदी? आकांक्षा भी भावुक हो चुकी थी। उसने वेदिका के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम सच में मेरी छोटी बहन हो? वेदिका ने
हाँ में सिर हिलाया। दोनों बहनों ने एक दूसरे को जोर से हक किया और रोने लगी। श्लोक आकांक्षा को उसकी फैमिली से मिलता देख खुश था और वो खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। वहां सब लोग इमोशनल होकर अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें कर ही रहे थे, पर तभी कुछ आवाजों ने उन्हें रोक दिया। उन सब ने मुड़कर उस दिशा में देखा तो दो छोटे बच्चे अपनी आंखों को मलते हुए वहां आ रहे थे। अक्ष उठ चुका था और उसके साथ सुकृति भी उठ गई थी। जब अक्ष बाहर आया तो उसने अपनी मम्मी के रोने की आवाज सुनी और अपनी मम्मी को किसी अनजान से गले लगते भी देखा और इस बात से वो बहुत गुस्सा हो गया था। आकांक्षा ने देखा उसका बेटा उसे गुस्से से घूर रहा था और वो जल्दी से वेदिका से दूर हो गई। अक्ष तेज कदमों से वहां आया और उसने आकांक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप उस लेडी को गले क्यों लगा रही थी? उसकी आवाज में नाराजगी साफ सुनाई दे रही थी। आकांक्षा ने अपने घुटनों के बल बैठकर अक्ष के चेहरे को सहलाया और कहा, वो तुम्हारे नाना नानी और मासी हैं। ये सुनकर अक्ष ने जल्दी से उस बूढ़े कपल को और उस सुंदर लड़की की तरफ देखा और थोड़ा शक करते हुए कहा, क्या सच में ये आपकी फैमिली है? और अगर ऐसा है तो ये लोग इतने सालों से कहाँ थे? अक्ष को हमेशा अपनी मम्मी के लिए बुरा लगता था क्योंकि वो जब से पैदा हुआ था उसने उन्हें अकेला ही देखा था। अक्ष की बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग चुप हो गए, यहाँ तक कि महेश जी जो आगे बढ़कर अक्ष को गले लगाना चाहते थे वो भी रुक गए। आकांक्षा ने दोबारा कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था और वो खो गए थे। तुम्हें पता है अक्ष, वो मुझे अभी अभी मिले हैं। अक्ष ने सख्त आवाज में कहा, मुझे नहीं जानना वो आपको कब मिले, लेकिन वो आपको आपके मुश्किल समय में नहीं मिले। वो उस समय आपके साथ नहीं थे जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मेरे लिए वो लोग मायने नहीं रखते। ये कहते हुए अक्ष आकांक्षा को खींचकर अपने साथ ले गया। आकांक्षा मुड़कर माफी भरी नजरों से सबको देख रही थी। वहां मौजूद सारे लोग अक्ष के इस तरह के अडल्ट बिहेवियर को देखकर हैरान थे। उनके हिसाब से तो छोटे से बच्चे को ये देखकर खुश हो जाना चाहिए था कि उसे उसकी फैमिली में कोई नया सदस्य मिल रहा था, लेकिन जिस तरह अक्ष आकांक्षा को प्रोटेक्ट कर रहा था वो बहुत ज्यादा अलग था। श्लोक अपने बेटे के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा खुश था। श्लोक उठा और उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, ठीक है, बहुत ड्रामा हो गया, हम सुबह बात करेंगे। मॉम गेस्ट के लिए कमरे तैयार करवा दीजिए। ये कहकर वो बिना किसी की तरफ देखे उसी कमरे में चला गया जहां अक्ष आकांक्षा को ले गया था। वसुंधरा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या इस लड़के को पता है ये कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? ये कहते हुए उन्होंने बाकी सबको देखा और फिर पीछे खड़े नौकरों को देखकर कहा, गेस्ट रूम खोल दो और उनकी सफाई करो। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर सबसे कहा, चलिए अब हम सब डिनर कर लेते हैं। वीना जी थोड़ी उदास थी, उन्होंने कहा, वसुंधरा, क्या वो आकांक्षा का बच्चा था? बड़ी अम्मा ने वीना जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, वो बच्चा है और जल्दी मान जाएगा। चलो खाना खा लो, हमें कल से शादी की तैयारियां भी शुरू करनी है। वीना, तुम्हारी दो बेटी की शादी हो रही है। ये सुनकर वीना जी के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। कीर्ति ने अब तक सुकृति को अपनी गोद में ले लिया था और वो उसे अपने साथ लेकर चल रही थी। सुकृति ने कहा, मम्मा, आपको पता है जिस कमरे में मैं सो रही थी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सारे लोग कौन है? कीर्ति ने सुकृति के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ये आपकी मम्मा की फैमिली है। सुकृति ने आंखें गोल घुमाकर आसपास बैठे लोगों को देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। सुकृति ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, तो क्या ये मेरी भी फैमिली है? वहां मौजूद सारे लोग सुकृति की मीठी आवाज को सुनकर रिलैक्स फील कर रहे थे। बड़ी अम्मा ने सुकृति के लिए कटोरी में खीर डालते हुए कहा,
हाँ गुड़िया, अब ये तुम्हारा भी परिवार है। जिस तरह तुम्हारी माँ यहाँ की राजकुमारी थी, अब तुम भी यहाँ की राजकुमारी हो। सुकृति ने अपना सिर उठाकर कहा, व्हाइट हेयर वाली आंटी, क्या आप मेरी मम्मा को जानती है? लेकिन मम्मा ने तो कहा था कि उनकी कोई फैमिली नहीं है। ये सुनकर सब शांति से कीर्ति को देखने लगे, जो अपना सिर झुकाकर बैठी थी। कीर्ति ने कहा, सुकृति हमेशा दूसरे बच्चों को उनके परिवार के साथ देखती थी। उसे हमेशा अपने लिए बुरा लगता था, इसीलिए मैं उसे बोल देती थी कि हमारी कोई फैमिली नहीं है। उस समय मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। सार्थक ने खाना खाते हुए कहा, कौन सी बड़ी बात है, तुम तो वैसे भी हमें छोड़कर चली गई थी, तो हम तुम्हारी फैमिली कैसे हुए? कीर्ति ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, भाई अब बहुत हो गया, क्या मैं शांति से खाना भी नहीं खा सकती? इसके आगे सार्थक ने कुछ नहीं कहा। उस डाइनिंग टेबल पर माहौल बहुत ज्यादा शांत था और इस समय सब चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अक्ष के कमरे में अक्ष बेड पर खड़ा था और गुस्से में आकांक्षा को घूर रहा था। उसने दोबारा कहा, मम्मी आप मुझे उन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह सकती हो। श्लोक कमरे में आया, उसका चेहरा सीरियस था। उसने कहा, क्या तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? ये सुनकर अक्ष चुप हो गया। उसे श्लोक पहली नजर में ही पसंद आ गया था और उसकी दिल से इच्छा थी कि वही उसका फादर हो, लेकिन वो अपनी मम्मी की फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी मम्मी को सफर करते देखा था। वो देखता था कि लोगों की फैमिली कैसे उन्हें सपोर्ट करती थी, लेकिन उसकी मम्मी के पास ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें सपोर्ट करे। श्लोक ने दोबारा कहा, तो तुम चाहते क्या हो? क्या शुभम अपने घर वालों को मना पाएगा? क्या इन सबकी शादी हो पाएगी? और क्या अक्ष अपनी मम्मी के परिवार को अपना पाएगा?